शिक्षा और कौशल का मोहक कपिटारा लिए शकुंतला विद्यालय रामनगर भिलाई में द्वितीय दिवस उमंग 2024 का वार्षिक स्नेह सम्मेलन 25 अक्टूबर 2024 को जगमगाते विशाल प्रांगण में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की गौरव गरिमा मुख्य अतिथि ऋकेश सेन, विधायक वैशाली नगर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संदीप निरंकारी, कॉरपोरेट एवं MIC मेंबर भिलाई नगर निगम, शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर संजय ओझा एवं कार्यक्रम में पधारे गणमान्य अतिथियों ने ज्ञान देवी देवी माँ सरस्वती को माल्यार्पण कर उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित कर तथा पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों के अभिनंदन तथा माँ भारती के गुणगान राष्ट्रगान के पश्चात उप प्राचार्य जी रंजना कुमार ने शाला की बहुमुखी उन्नति को सत्री प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया। जिले के विख्यात स्कूल शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल में हर वर्ष उमंग के साथ उमंग एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। इस वर्ष भी हर्ष और उल्लास के साथ उमंग 2024 का आयोजन भव्यता से किया गया। इस एनुअल फंक्शन में प्रतिदिन विभिन्न आयोजन यहां पर किए गए। वहीं आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ऋकेश सेन विशेष रूप से शामिल हुए। विधायक ऋकेश सेन का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार यहां पर किया गया। तत्पश्चात बच्चों ने यहां पर मंच के माध्यम से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ देखकर सभी का मन मोह लिया। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के द्वारा उमंग कार्यक्रम के तहत संस्कृति को जगाने के लिए यहाँ पर धार्मिक आयोजन किए गए। वहीं इस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नगद राशि देकर पुरस्कृत भी किया गया। ₹51,000 की राशि तत्पश्चात मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि ऋकेश सेन का स्वागत सम्मान भी प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। इस दौरान विधायक ऋकेश सेन बच्चों का हौसला बढ़ाते नजर आए। ऐसा होता है कि बच्चों की जब एप्रिसिएशन इस टाइप से जब अवार्ड उनको मिलता है और जब उनके पेरेंट्स सामने हों तो यकीन है काफी गदगद हो जाते हैं उनके पेरेंट्स। शाला की प्रशंसा करते हुए विधायक ऋकेश सेन ने प्रतिक्रिया दी तो वहीं संजय ओझा सर ने भी इस तरह की जानकारी दी। इंतजार शकुंतला विद्यालय का हम सबको बड़ी बेसब्री से रहता है। मैं जब पार्षद की भूमिका में नगर निगम में था तो भी हमेशा मुझे इस विद्यालय में बुलाया गया क्योंकि विद्यालय मैं अतिथि के रूप में कभी नहीं आया, एक परिवार के सदस्य के रूप में मैं हमेशा इस विद्यालय में मेरा आगमन हुआ है। और निश्चित रूप से शकुंतला विद्यालय वो बच्चों के भविष्य की वो फैक्ट्री है जिससे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अभी हमने देखा मंच पे बहुत ही प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बच्चे यहाँ से 12th पढ़ के निकलते हैं, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में वो सिर्फ विद्यालय का ही नहीं, शहर का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का वो नाम रोशन करते हैं। और उन प्रतिभावान छात्रों की वजह से हम सब लोग गौरवित भी महसूस करते हैं। शकुंतला विद्यालय के आज के कार्यक्रम में यहाँ पे बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। इस प्रस्तुति से ये समझ अवश्य आता है हम सबको कि इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति, अपने संस्कार, कला के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है और साथ में कई
स्पोर्ट्स के हमारे बच्चे जिन्होंने नेशनल लेवल पे इस स्कूल का नाम रोशन किया है, इस शहर का नाम रोशन किया, ऐसे बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इससे यही प्रतीत होता है कि विद्यालय में जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे संचालक हैं, वो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कला और खेल के प्रति भी उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और इसीलिए तो पूरे प्रदेश में शकुंतला विद्यालय अपनी एक अलग पहचान बनाते चले जा रहा है। इसके लिए मैं सभी शिक्षकों को, उनके पेरेंट्स को और बच्चों को भी मैं बधाई देता हूँ। शकुंतला विद्यालय का वार्षिक उत्सव सबके लिए बड़ा खास होता है। मुझे याद है, मैं सम्मानित मंच को बताना चाहता हूँ, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मंच में उपस्थित इस विद्यालय के संचालक परम आदरणीय बड़े भैया संजय ओझा जी, बड़े भैया विपिन ओझा जी, मेरे साथी बड़े भाई इस कार्यक्रम में आने के लिए, उस समय इनका रिजर्वेशन बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए हो चुका था, वापसी इनका आज नहीं था, शायद रात में या कल आने वाले थे, लेकिन मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए, चूंकि विद्यालय से इनका बहुत ही गहरा संबंध है, उन्होंने मेरे आग्रह को ठुकराया नहीं और बकायदा समय पे उन्होंने दर्शन करके आज हमारे भिलाई से सीधा रायपुर से यहाँ वापस आए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, रितेश भाई आपने हमें ये सौभाग्य दिया और आपने हमारे मान को बनाए रखा, इसलिए मैं आप सबको यह कहना चाहूँगा, आए हुए समस्त पालक, आप अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए हुए हैं और निश्चित मान के चलिए कि आपने जिस विश्वास से इस विद्यालय में अपने बच्चों का प्रवेश कराया था, उस विश्वास को इस विद्यालय ने टूटने नहीं दिया है। जब विद्यालय के इस मंच पर आपके बच्चों को पुरस्कृत होते हुए आप देखेंगे तो मान के चलिए कि आपको जरूर यह गर्व होगा कि मैंने सही चुनाव किया था। बहरहाल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उमंग के साथ उमंग एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ बड़ी संख्या में पालकगण यहां पर शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।